नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को वीआईपी और वीवीआईपी नेताओं और अफसरों की आवाजाही के लिए एक नया विमान और एक हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसको लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और लोकसभा चुनाव में वह देश का भ्रमण करना चाहते हैं, इसलिए वह सरकारी खर्चे पर विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने वाले हैं। अगर आप निवेश करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है, वहीं अगर आप बच्चों के नाम पर निवेश करते हैं तो भी आपको टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि बालिग यानी 18 साल से अधिक उम्र वालों को अपनी आमदनी पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स देना पड़ता है। आज के समय में अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपनी और अपने घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग अलग अलग तरह को काम करते हैं। जब हम तय लिमिट से ज़्यादा की कमाई करने लगते हैं तो हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता है। ये नियम नौकरी पेशा लोगों से लेकर सभी के लिए लागू होते हैं। 30 दिसंबर को कोलकाता में नमामि गंगे योजना को लेकर गंगा काउंसिल की बैठक बुलाई गई है। जिन राज्यों से गंगा गुजरती है वहां के मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में शामिल होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होनी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बदले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल होंगे। 15 दिनों के अंदर में यह दूसरा मौका है जब केंद्र सरकार की बड़ी बैठक में मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस बैठक में शामिल नहीं होने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। आज हम आपको LIC की एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं जिसमें आपकी बेटी का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक खास स्कीम निकाली है। इस स्कीम का नाम है LIC कन्यादान पॉलिसी। की ये स्कीम कम आय वाले माता पिता की बेटियों की शादी के लिए रकम जुटाने में मदद करती है। इसमें बेटी के अकाउंट में एक मुश्त 22 लाख रुपए मिलेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ अगले महीने से शुरू हो रहे 3 मैचों की T20 सीरीज और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। T20 सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या होंगे, वहीं सूर्य कुमार यादव को T20 सीरीज के लिए उपकप्तान बनाया गया है। हालांकि वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा ही करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लोगों के सामने अब एक ऑफर रख दिया है, लेकिन इसके बदले में उन्होंने एक मांग भी सामने रख दी है। दरअसल जीतन राम मांझी की बेटी सुनैना देवी गया नगर निगम क्षेत्र से मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। मांझी का कहना है कि अगर जनता उनकी बेटी को जीत दिलाती है तो वे शराबबंदी कानून के तहत मुकदमे में फंसे और जेल में बंद लोगों की मदद करेंगे। हाल ही में विश्व बैंक ने बताया कि विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा वर्ष 2022 में भारत भेजी गई राशि $10,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। पिछले वर्ष 2021 में प्रवासी भारतीयों ने $8,940 करोड़ भेजी थी, जिससे यह 12% अधिक है। पूरे विश्व में विभिन्न देशों द्वारा विप्रेषण के माध्यम से प्राप्त की जा रही राशि की सूची में भारत का प्रथम स्थान बना हुआ है। इतनी भारी भरकम राशि में अमेरिका, इंग्लैंड और सिंगापुर में रह रहे भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाले धन शामिल हैं। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह विवाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 300 से अधिक मूर्तियां व शिलालेख के अवशेष है, जो कि जन्मस्थान की 1953 में शुरू हुई खुदाई में उस जमीन से मिले हैं जिस पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ये मूर्तियां और शिलालेख श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर विशेष कक्ष में ताला लगा कर रखे गए हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज 138वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने AICC मुख्यालय पहुंचकर झंडा फहराया। इस दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। खड़गे ने इस दौरान अपना संबोधन भी दिया। उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस पार्टी की समावेशी बनाने के लिए युवाओं, महिलाओं, वंचित तबकों और बुद्धिजीवियों को हमारे साथ जोड़ना होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश भर में करोड़ों कार्यकर्ताओं को संजीवनी मिली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के हालिया बयान को स्पष्ट रूप से हेट स्पीच कहा। कांग्रेस नेता ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी से कहा, प्रज्ञा ठाकुर ने जो कहा है वो स्पष्ट रूप से हेट स्पीच का मामला है। मैं इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा ने हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या पर बात करते हुए कहा था कि हिंदुओं को उन पर और उनकी गरिमा पर हमला करने वालों को जवाब देने का अधिकार है। उन्होंने कहा था कि हिंदू कम से कम अपने घरों में धारदार चाकू रखें, क्योंकि सभी को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया गया है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि भारत में कोरोना महामारी की चौथी लहर आ चुकी है, जिसके कारण सरकार एक बार फिर पूरे देश में लॉकडाउन लगाने जा रही है। वीडियो में कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने 24 दिसंबर की रात 12 बजे से 7 दिनों के लिए भारत बंद रखने का निर्णय लिया है। यूट्यूब पर CE न्यूज नामक चैनल पर देश की 7 दिनों के लिए बंद रखने का दावा किया जा रहा है, लेकिन PIB फैक्ट चेक ने वीडियो की जाँच पड़ताल की और दावे को फेक पाया है।
टाइम ऑफ इंडिया की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वोडाफोन आइडिया के कई यूजर्स को 5G सेवाएं शुरू करने को लेकर SMS और WhatsApp पर फिशिंग मैसेज मिल रहे हैं। इन संदेशों में कहा जा रहा है कि अपने नंबर को 5G में अपग्रेड करने के लिए मैसेज के साथ जुड़े लिंक पर क्लिक करें। कुछ संदेशों में यह भी लिखा जा रहा है कि VI 5G नेटवर्क लाइव है, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या अपग्रेड करने के लिए XXX नंबर पर कॉल करें। बता दें कि यह संदेश पूरी तरह से गलत है और धोखाधड़ी करने वाले लोगों की तरफ से भेजे जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन इन मामलों में शामिल राशि एक साल पहले की तुलना में आधी से भी कम रह गई। RBI ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत में बैंकों का रुझान एवं प्रगति शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट में कहा कि पिछले वित्त वर्ष में 60,379 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े 9,102 मामले सामने आए। वित्त वर्ष 2020-21 में ऐसे मामलों की संख्या 7,358 थी और इनमें 1.37 लाख करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों से किसानों की आमदनी बढ़ाने के मकसद से किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को आसानी से कर्ज देने के लिए कहा है। एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों से बातचीत में कहा कि तकनीक को उन्नत बनाने में रीजनल रूरल बैंकों की मदद करना जरूरी है। इस साल के मध्य में जब श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस दौरान भारत ने अपने पड़ोसी की मदद के लिए बड़ा दिल दिखाया। श्रीलंका में ईंधन, दवाओं और खाद्य पदार्थों की कमी और सरकार के भ्रष्टाचार पर गृह युद्ध जैसी स्थिति के बीच भारत ने आगे आते हुए पड़ोसी देश के लिए हर संभव मदद भेजी। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने मंगलवार को कहा, PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती अगर तिरंगा फहराएंगे तो यह भाजपा की बड़ी जीत होगी, भले ही वह कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में ही तिरंगा फहराए। दरअसल महबूबा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने की घोषणा की है। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने इससे पहले कहा था कि महबूबा मुफ्ती के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला भी मार्च से जुड़ेंगे। केंद्र सरकार ने अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से एक रोजगार सृजन कार्यक्रम की मंजूरी दी गई है। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन नाम के इस कार्यक्रम का मकसद देश के कई हिस्सों में बेरोजगारों और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करना और घरेलू अगरबत्ती उत्पादन में तेजी लाना है। भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। बैंकों की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी फंसे कर्ज का आकार घटकर सितंबर में 5% पर आ गया है, लेकिन मौजूदा वृहद आर्थिक हालात कर्जदाताओं की सेहत पर असर डाल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में बैंकों की GNPA 5.8% पर रहा था। इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्जों को बट्टा खाते में डालना GNPA में आई गिरावट की बड़ी वजह रही, जबकि निजी बैंकों के मामले में कर्जों को अपग्रेड करने से हालात बेहतर हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग जम्मू कश्मीर के साथ ही लेह और लद्दाख की सुरक्षा के लिए भी अहम साबित होगा। सर्दियां बढ़ने के साथ ही जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। वहीं सेना को भी तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ इलाके लंबे समय के लिए भारत की मुख्य भूमि से कट भी जाते हैं। ऐसे में इलाकों की सुरक्षा को लेकर हो रही ये बैठक काफी अहम साबित हो सकती है। इस बैठक में सुरक्षा के साथ ही कोरोना जैसी स्वास्थ्य समस्याओं पर भी चर्चा होगी, साथ ही मेडिकल सप्लाई को लेकर भी बात की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। इस पर JDU के पूर्व नेता ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा और पेपर लीक मामले को लेकर हमला बोला है। RCP सिंह ने पेपर लीक मामले को लेकर कहा था कि अब बिहार में बड़ी समस्या है, यहाँ परीक्षा में दूसरे लोग भी बैठ जा रहे हैं, सेंटर पर वो भी पकड़े जाते हैं। सिस्टम में एक पारदर्शिता होती है, वो पारदर्शिता खत्म हो चुकी है। जनधन योजना के तहत आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होने के बाद भी 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। ये सुविधा कम समय के लिए लोन की तरह है। पहले ये रकम 5,000 रुपए मिलती थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है। मोदी सरकार 1 या 15 जनवरी 2023 को दिसंबर मार्च की किस्त जारी कर सकती है, लेकिन लाखों किसान इस किस्त से वंचित रह सकते हैं। EKYC और भूलेख सत्यापन न होने से उनकी 2,000 रुपए की किस्त लटक सकती है। वहीं सम्मान निधि का लाभ ले रहे अपात्र किसानों को कृषि विभाग से नोटिस भी भेजी जा रही है। केंद्र सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है। सरकार की कुल देनदारी दूसरी तिमाही यानी सितंबर के अंत में बढ़कर 147.19 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले जून तिमाही में यह 145.72 करोड़ रुपए थी। सार्वजनिक कर्ज के ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रतिशत के हिसाब से तिमाही आधार पर इसमें 1% की वृद्धि हुई है। अगर आपकी लेखन में रुचि है तो मोदी सरकार आपके लिए खुशखबरी लेकर आई है। जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से युवाओं के लिए PM युवा 2.0 योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत युवा लेखकों को विभिन्न विषयों पर लिखने का मौका दिया जा रहा है। मेंटोरशिप योजना के तहत युवाओं को यह अवसर दिया जा रहा है। योजना के तहत जिन युवा लेखकों का चयन होगा उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में हर महीने 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
अगर आप गेहूं की लगातार बढ़ रही कीमतों से परेशान हैं तो यह खबर आपको जरूर राहत देगी। जी हां, आने वाले समय में गेहूं की महंगाई से आम आदमी को राहत मिलने वाली है। सरकारी सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी है कि गेहूं के रिटेल प्राइस पर काबू पाने के मकसद से सरकारी FCI गोदाम से 15 से 20 लाख टन गेहूं निकालने पर विचार कर रही है। FCI गोदाम से इस निकलने वाली गेहूं को ओपन मार्केट सेल्स स्कीम के तहत आटा मिलों आदि को बिक्री करने का प्लान है। भारत सरकार ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को कोरोना बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी दी है, लेकिन हर कोई नेजल वैक्सीन नहीं ले सकता। वैक्सीन टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने NDTV को बताया, नेजल वैक्सीन पहले बूस्टर के रूप में लगाई जानी है। यदि किसी व्यक्ति को पहले से ही बूस्टर डोज या एहतियाती खुराक मिल चुकी है तो यह वैक्सीन उन व्यक्तियों के लिए नहीं है। उन्होंने बताया कि नेजल वैक्सीन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक एक भी बूस्टर डोज नहीं लिया है। नगर निकाय चुनाव में वोटिंग करने के बाद राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कुछ ऐसा बयान दिया जो सुर्खियां बन गई। उन्होंने बताया कि पटना में वोटिंग की स्थिति बहुत खराब है और लोगों में जागरूकता का अभाव है। हमें लग रहा है कि 25% भी वोटिंग पटना में नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। विक्रम किर्लोस्कर के निधन के बाद किर्लोस्कर ग्रुप की जिम्मेदारी मानसी टाटा संभालेंगी। किर्लोस्कर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है। कंपनी ने मानसी को किर्लोस्कर ज्वाइंट वेंच के बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है। कंपनी ने बयान में कहा है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से कंपनी की कमान सौंपी गई है। इस नियुक्ति के बाद मानसी टाटा टोयोटा इंजन इंडिया लिमिटेड, किर्लोस्कर टोयोटा टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, टोयोटा मटेरियल हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डेनो किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की कमान संभालेंगी। महंगे पेट्रोल डीजल से परेशान आ चुके लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने महंगे पेट्रोल डीजल का तोड़ निकाल लिया है। नए साल से सरकार वैकल्पिक ईंधन के वाहनों को बढ़ावा देने के लिए निर्देश पारित करने वाली है, जिसके बाद पेट्रोल डीजल की निर्भरता काफी हद तक खत्म हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक वैकल्पिक ईंधन से आपकी कार सिर्फ 24 रुपए प्रति लीटर के खर्च में चलेगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इसके बारे में कई कार्यक्रमों में चर्चा कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि 2023 में फ्लेक्स ईंधन से चलने वाली कारें मार्केट में आ जाएंगी। भारत के लिए 2022 का वर्ष अर्थव्यवस्था के शक्ति केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का तमगा हासिल किया। भारतीय अर्थव्यवस्था ने $854.7 बिलियन के साथ दुनिया में यह जगह बनाई। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था $816 अरब के साथ छठे नंबर पर पहुंच गई। ब्रिटेन अब भी अर्थव्यवस्था को लेकर अपने मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वहीं भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी में शामिल है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रोहित शर्मा, रविशंकर, राहुल कुमार, राजकिशोर कुमार, KK सिन्हा, अरुण कुमार, सबीर आलम, सुनील कुमार, अनवर करीम खान, राम कुमार, सरोज कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, घनश्याम दुबे, नुन्नू गोलू कुमार, अविनेश कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।